आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम अच्छे हैं। तो आज हम जा रहे हैं चौक। चौक क्या है? लखनऊ का चौक बहुत फेमस है, वो अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए बहुत फेमस है। जो लोग लखनऊ को बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा, जो लोग लखनऊ के बाहर हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा सुना भी होगा। रूमी दरवाज़ा हो गया, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, तो ये सब बहुत फेमस है। तो लखनऊ का चिकनकारी सूट्स बहुत फेमस है, तो वहीं हम आज एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाएंगे कि वहाँ के कलेक्शंस कैसे होते हैं। तो ये है रूमी दरवाज़ा लखनऊ का, ये बहुत ही फेमस है। ये नवाब असफ उद्दौला ने 1784 में बनवाया था। ये एक एग्जांपल है अवधी आर्किटेक्चर का। असली पुरानी लखनऊ की व्यवस्था को देखने के लिए चौक पर ज़रूर जाएं। अब क्योंकि इसे पुराना लखनऊ बोलते हैं तो आप ये देखिएगा, यहाँ पर इक्का, ऊँट, ये सब मिल जाएगा, जो कि आप आज की डेट पर आपको और कोई शहर में नहीं मिलेगा। और यही छोटी छोटी चीज़ें इस जगह को खास बना देती हैं। ये है बड़ा इमामबाड़ा, ये लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूलभुलैया इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा छोटे छोटे रास्तों का जाल है। वहीं बाहर निकलने के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे पर्यटक भी रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग भूलभुलैया बोलते हैं। और यहाँ पर सच में अगर आप अंदर जाएंगे ना तो भूल जाएंगे कि किस दरवाजे से निकले थे और किस दरवाजे से अंदर आए थे। अच्छा, ये मैंने कहीं पढ़ा था, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा, कि लड़कियां जो होती हैं उनकी 3 बार में शॉपिंग होती है। पहली बार में तो वो जाएंगी देखने के लिए कि क्या क्या स्टॉक आया है, क्या क्या कलेक्शन आया है, सॉर्ट ऑफ विंडो शॉपिंग। दूसरी बार वो जाती हैं जो उनको पसंद आता है वो खरीदने के लिए। और तीसरी बार में वो जाती हैं जो वो खरीद चुकी होती हैं उसको वापस करने के लिए। तो आपके साथ ऐसा होता है, आपको कमेंट करके बताइएगा। तो फाइनली आ गए हम शॉपिंग पे। तो यहाँ पर मैंने भैया से बोला कि जो भी आपका लेटेस्ट स्टॉक आया है आप कलेक्शन दिखाइए यहाँ पर। तो ये हमको दिखा रहे थे अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग प्राइस रेंज में। ये कॉटन की हैं, यहाँ पे कुछ इन्होंने, ये मैंने उनसे बोला कि प्योर शिफॉन में दिखाइएगा, तो इन्होंने प्योर शिफॉन में हमें चिकन की कुर्ती दिखाई है। ये बहुत सुंदर कलर था, आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन सा अच्छा लगा। इसमें सारे ही कलर बहुत अच्छे थे, एक पिंक, पर्पल, येलो, लेमन, बहुत सारे कलर्स थे। मन तो कर रहा था सारे ही ले लूं, बट आप गेस करिएगा कि मैंने कौन सी ली और आप ये बताइएगा आपको कौन सी अच्छी लगी। हमारी शॉपिंग तो यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, फिर उसके बाद बस निकल गए खाने के लिए। बहुत भूख लगी थी, यहाँ पर हम आ गए खाने के लिए। यहाँ पर हमने खाया है वेज कबाब पराठे, बहुत ही तेज़ भूख लगी थी। और यहाँ पर एक डब्बू वेज है, वहाँ के कबाब पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं हमें तो। और बस फटाफट ख़त्म करके हम निकल गए घर, बहुत थक गए थे। और मैंने क्या क्या लिया वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे।